आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी पढ़ रहे हैं और डेली बेसिस पे लगभग तीन तीन चार चार क्लासेस लगा रहे हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स और फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट. सो लेट्स से यू वांट टू फिनिश सब्जेक्ट इन मे बी 14 डेज और 20 डेज और आपने जो टारगेट दिया उसके मुताबिक डेली आप क्लासेस जो इतनी सारी लगा रहे हैं वो आप पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन रिवाइज कुछ नहीं कर रहे हैं. बट सोचा था शुरू में रिवाइज करेंगे, टीचर ने बोला था रिवाइज करेंगे और हम रिवाइज कर रहे थे, बट दूसरे तीसरे चैप्टर के बाद बहुत मुश्किल हो गया है सर. टाइम इतना लग जाता है सर, रिवीजन में कुछ याद नहीं आता है तो लगता है कि फिर बाद में ही रिवाइज कर लेंगे. अभी तो अगर रिवाइज करने के चक्कर में पड़ गए तो सिलेबस ही नहीं खत्म होगा सर. तो हमने सोचा कि धीरे धीरे चलिए फिर चार पांच दिन बाद इकट्ठा बैठ के रिवाइज करेंगे. इकट्ठा जब बैठे सर तो ऐसे लगा कि सब कुछ सिर के ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो हमने सोचा कि छोड़िए सर अभी पढ़ के क्या लेना है, एक बार सिलेबस खत्म कर दें फिर खत्म करके तब इकट्ठे चार दिन लगा के सब कुछ दोबारा रिवाइज कर डालेंगे. आर यू कॉमेडी मी? बट सर जब खत्म होने वाला था सब्जेक्ट तो हमने सोचा कि अब तो बस खत्म हो जाए और जान छूटे और नेक्स्ट सब्जेक्ट पकड़े, क्योंकि ऐसे तो सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस ही खत्म नहीं होगा और वो खत्म नहीं होगा तो फिर पेपर कैसे देंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी. सो दिस इज अ ब्लडी ब्लंडर दैट एवरी स्टूडेंट इज कमिटिंग. यू पीपल आर बेसिकली ट्राइंग टू फिनिश अप द सिलेबस विदाउट रिवाइजिंग एंड दैट्स गोना लिटरली मेक अ ब्लडी बैड डेंट ऑन योर एग्जाम्स एंड योर रिजल्ट. आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है, 100% सिलेबस खत्म कर लेना, लेकिन 100% सिलेबस खत्म करके पढ़ ना पाना, रिवाइज ना कर पाना और रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी ना पैदा कर पाना इन एग्जाम्स इज वर्स सिचुएशन. बाय बाय टाटा गुड बाय गया डैन द सिचुएशन जहां आप 70-80% सिलेबस खत्म कर रहे हो, आपने रिविजन पे टाइम अप्रोप्रिएट दिया लेकिन सिलेबस सारा खत्म नहीं हो पाया, चलेगा. और आपने रिवाइज जो किया वो 80-90% आपको याद रहता है, विच मींस एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो आप 50-60 मार्क्स से नीचे नहीं गिरने वाले. इन एनी ऑफ द केसेस दैट इज मोर रेलेवेंट. जो रह जाएगा बाकी 20-30% उसको बाद में धीरे धीरे कवर कर सकते हो, बट 70% इफेक्टिव तो खत्म करो. ना तो क्वेश्चन इज सर फिर आप कहते हो कि 100% सिलेबस खत्म करना चाहिए, तो 100% सिलेबस कैसे खत्म करेंगे? 100 खत्म नहीं होगा तो सर अगर वहां से 20-30 में से आ गया तो क्या करेंगे? बेटा 100% सिलेबस खत्म करने का मतलब कहीं पे भी ये नहीं है आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है. 100% सिलेबस खत्म करने का मतलब होता है इफेक्टिवली 90-100% के लेवल पे आपने अपना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, जो कंटेंट आज तक पूछा गया है, उस कंटेंट को बहुत अच्छे से आपने निचोड़ के पढ़ लिया है और दो दैट कंटेंट जो पूछा नहीं गया उसमें से सिलेक्टिव स्टडी की है बेस्ड ऑन हाउ योर टीचर हैज डिफाइंड यू टू डू इट. Now every teacher defines it in a different way, so take that help. लेकिन कोशिश करो कि revision साथ साथ करो. अगर revision नहीं किया है तो trust me, आप जितना मर्जी effort दे रहे हैं आप last के बीच में जाके lag करेंगे और दोबारा revise करने के लिए फिर से उतना time लगाएंगे जितना शुरू में आपने पढ़ने के लिए लगाया था, and that's not gonna lead you to anywhere. और फिर panic attacks और anxiety attacks आएंगे. Forgetting curve और learning curve का concept यहाँ पे लगता है कि अगर आपने within the same hour खत्म करने के एक घंटे बाद या विदिन द सेम डे नहीं पढ़ा तो 55% रिटेंशन, विदिन वन वीक जीरो रिटेंशन पे आप ऑलमोस्ट पहुंच जाओगे. कुछ याद नहीं रहेगा, यादें याद रहेंगी बस बातें कोई याद नहीं रहेंगी. यही बातें तो बाद में याद आती हैं. और कुछ मेमोरी टेक्निक्स और रिविजन मैकेनिज्म्स हैं जिससे आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं. फॉर दैट स्टे कनेक्टेड विद मी, आई विल टेल यू ऑल दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो. बट रिवाइज साथ साथ करो, वो बहुत जरूरी है. एक सिस्टमैटिक रूटीन डेवलप करो, नेक्स्ट में बताऊंगा. प्लीज स्टे कनेक्टेड.